नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार के विरुद्ध रैली निकाली। सूरत शहर के लिम्बायत मीठी खाड़ी में कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार नईम भाई लाकड़ावाला और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार के विरुद्ध रैली निकाली, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विरुद्ध सस्ती दारू महंगा तेल का नारा लगाया। श्री नईम भाई लाकड़ावाला ने अपनी बात पब्लिक के सामने रखते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहुत सारी सुविधाएं पब्लिक को फ्री में दी जाएंगी। पब्लिक को सरकार से हर तरह का लाभ मिलेगा और इस तरह की महंगाई नहीं रहेगी। और आज के इस रैली में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो कांग्रेस ने 8 वचन दिए हैं, उसके द्वारा हम डोर टू डोर घर घर जाकर जो कांग्रेस के 8 वचन दिए गए वो लोगों को समझाने जा रहे हैं कि 27 साल से यहाँ एक तरफी शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तुगलकशाही फरमान है, इनको अहंकार आ गया है, इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई उखाड़ नहीं फेंक सकता। तो इसलिए हम घर घर जाके जो कांग्रेस के 8 वचन है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। हमारे किस तरह की कामगिरी आप करके बताएंगे आप? कांग्रेस अगर हमारी सत्ता बनती तो जो हमने जैसे 8 वचन दिए, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले 3 वचन आप बता दीजिए। 8 वचन बता सकते हैं आपको। 10 लाख तक के किसी भी हॉस्पिटल में दवा खाने का कर्जा माफ़ करेंगे, बिना मूल्य दवाई देंगे, 300 यूनिट बिजली हर घर में फ्री देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पद्धति है वो खत्म करेंगे। जो भी हो इनको आपने बता ही दिए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कामगिरी करी उनकी जो सरकार है, अभी क्या महंगाई के विषय में क्या कहना आपका? ये तो हेलो जी, आपका नाम? शेख नईम शेख दिलावर भाई लाकड़ावाला जी। आज जो रैली निकाली गई किस पार्टी द्वारा और क्या मकसद था? जी मैं लिम्बायत 163 विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और हमारे जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो 8 वायदे की है उस मकसद से हमने ये रैली निकाली है और जिसको हम पूरा करेंगे। कौन से वादे हैं कांग्रेस पार्टी के? जी हमारी सरकार ने 3 लाख खेडूतों को जो कर्जा माफ़ी है जी, वो सब माफ़ करेगी। कब माफ़ करेगी सरकार? जी हमारी सरकार अगर आ जाती है तो सबसे पहले हमारे जो 8 वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। कुछ वादे आप बता दीजिए। जी हमारी सरकार ने 3 लाख खेडूतों का कर्जा माफ़ करने का वायदा किया है। दूसरा, जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी में जी रहे उनको काम देगी, उनको नौकरियां देगी। क्या यह हमारी सरकार का पहला मकसद है? और हमारी जो सरकार है वो आगे बेहतर से बेहतर काम करने की काबिलियत रखती है, क्योंकि हमारी सरकार कांग्रेस है। आगे आप अपनी पार्टी द्वारा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये जो आज महंगावारी है उसको ध्यान में रखो। 2014 के अंदर हमारा जो गैस का बाटा। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष भाई इनामदार है जी। आज ये क्या मकसद था रैली का? ये मकसद है रैली का कि ये हमारी जनता है, ये सब पीस गई है। मोदी जी 14 में जब आए हैं तब वो ऐसा माहौल तैयार करके आए हैं कि भाई मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं नोट बदली करूंगा, काला धन लाऊंगा, ये सब तो कुछ आया नहीं। लेकिन मेरे ये जो सब भाई है ये सब राहत देखते बैठे, अभी राहत देखते देखते कंटाल गए सब लोग। अभी फिलहाल गुजरात का भी इलेक्शन होने वाला है, आप लोगों ने रैली निकाला और पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी द्वारा किस तरह की अभी किया जाएगा? हमारे पार्टी द्वारा हमारे राहुल जी अहमदाबाद आए थे, अहमदाबाद में जो उन्होंने बताया, जो सब कुछ बोला, 8 वचन दिया पब्लिक को, ये वचन हम 8-8 पूरे करेंगे। हमारी सरकार बनती हो तो हम 8-8 पूरे करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी ये रिक्वेस्ट है पब्लिक को, 8 वचन आपको पूरा करना है, हमारे से करवाना है, तो आप हम कांग्रेस को मदद करो और कांग्रेस को वोट दो, ये हमारी। आगे और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और एक भी चीज़ कहना चाहता हूँ। मोदी जी आए थे यहाँ 29 तारीख को, हम लोग या सब लोग यही जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने गए तो ना केस करते हुए 30 आदमी को छोड़ दिया और 4 आदमी को पासा में डाल दिया। उसका कोई मतलब नहीं है, इनकी तानाशाही चलती है भाऊ की और ताई की।
ये तानाशाही, ये पब्लिक बता देगी अभी आगे के इलेक्शन में ये तानाशाही क्या होती है। तानाशाही का हिसाब ये पब्लिक देगी। जो गरीब आदमी है बेचारा, जो जिसको कुछ नहीं है, वो आदमी को तुम अंदर डालते हो और 31 आदमी को छोड़ देते हो। सबको डालना चाहिए ना फिर भाषा में, एक को क्यों डाला है, चार को क्यों डाला है? और वो चार को भी भाई साहब एक जगह पे नहीं रखा है, चार को चार जगह अलग अलग रखा है कि जैसे कि वो आतंकवादी है। ये सब ये राज में चल रहा है, बीजेपी के राज में ये सब छोड़ने की मांग करता है। हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम पब्लिक के सामने आना चाहते हैं, और हमारा मोमेंट में ऐसा है कि पब्लिक जो हमको चाहेगी और पब्लिक जो करेगी वही हम लोग करेंगे, वही हमारी इच्छा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तरह से ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।